एसबीआई गोरखपुर अंचल का बिजनेस वार्षिक समारोह बैंक रोड स्थित मुख्य शाखा में मनाया गया, जिसके संबंध में एसबीआई के डीजीएम संजीव कुमार ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक का बिजनेस वार्षिक समारोह मनाया गया है। कोरोना के कारण करीब 2 साल के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि गोरखपुर अंचल में रहने वाले भारतीय स्टेट बैंक के पेंशनर एक जगह मिलकर अपने सुझाव को शेयर करते हैं कि कैसे पेंशनर बेनिफिट तथा मेडिकल बेनिफिट को कोऑपरेट किया जाए और पुरानी यादों तथा अपना दुख दर्द बांटने का काम करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम संजीव कुमार ने कहा, और दूसरी ब्रांच को अपने अनुभव, किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन ये मेरा सजेशन है, प्रेस की कमी है और कुछ नहीं है, तो उसको अपडेट किया जाए। जो आदमी बैठा हो अगर वो नहीं अवेयर है, उसका सर्कुलर आ गया है, उसको एक्नॉलेजमेंट तुरंत दे दे। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा काम आप 5 मिनट में कर दीजिए। तो मैं शकील अहमद ने पिछले साल बहुत मदद की थी और कोरोना काल में भी मैंने जो है घर बैठे लोगों का जो है इंश्योरेंस पॉलिसी को टॉपअप करवाया। तो 70 साल 75 साल का आदमी जो है फिर यहाँ से जो है वो जुड़ना ला, ये अपने लोगों के साथ अपने परिवार में जो उनसे छोटे हैं उनका भी कितना ख्याल रखता है रखना। हम अपने अनुभव अपने आशीर्वादों से सिंचित करते हैं, आप सभी वर्तमान पदाधिकारियों का अभी वंचित करते हैं इस घड़ी को, उस घड़ी को सजो कर सपना जो हम देखेंगे उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा और प्रण लेने की जिम्मेदारी है हमारी। तो आओ लेते हैं हम शपथ, सुविधाजनक बैंकिंग देने और प्रसारित करने की जिम्मेदारी इन्हीं शब्दों के साथ आभार देते हैं इस आयोजन को, आयोजक को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना करते हैं, हमें हमारे बैंक को आगे बढ़ाने में पूरी तन्मयता लगन और निष्ठापूर्वक संपादित कराने की। अगर ये मुलाकात होती रहती, मीटिंग होती रहती तो बहुत छोटी छोटी बातों का निराकरण हम सब लोग कर लिए होते। इससे कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका कि निराकरण करना बहुत ही मुश्किल हो और ये संभव भी ना हो। और हम अभी जो कार्यरत लोग हैं, वर्किंग लोग हैं, उनके तरफ से भी मैं आपको इश्योर करना चाहता हूँ कि हम सब लोग के दिल में और दिमाग में भी आप लोगों के लिए बड़ी इज्जत है। ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है, हम इस बात को पूरी तरह से मैं नकार नहीं सकता हूँ और ये सही भी नहीं है, लेकिन ये हम सब लोग जिस आस्था के साथ, जिस प्रेम भाव और जिस रिस्पेक्ट के साथ आप लोग का, आप लोग के जब ब्रांच विजिट करते हैं उस समय के ट्रांजेक्शन के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ी होती भी है तो उन लोगों की तरफ से वैसा कोई मंशा नहीं रखा होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे और एज ए कस्टमर्स भी और एज ए गार्जियन भी इसको तुरंत ही हम लोग के संज्ञान में लाएंगे, क्योंकि ये भारतीय स्टेट बैंक के लार्जर इंटरेस्ट में भी है कि हम लोग कोई भी लोग जो भी भारतीय स्टेट बैंक के ऑफिस में, बैंक के प्रमाइसिस में आता है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर कस्टमर सर्विस दें, चाहे वो हमारे अपने लोग हों या भारतीय स्टेट बैंक हर एक छोटे कस्टमर्स के लिए उतनी तत्परता से सर्विस करने के लिए तैयार रहता है। तो आप लोग का फीडबैक एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए कि हमको वो प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस भी है। जो कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं उन कस्टमर्स के कंप्लेन में और आपके द्वारा जो कंप्लेन या फीडबैक दिया जाता है उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हमारे लिए है, क्योंकि आप उसके प्रोसीजर को भी जानते हैं, पहले आप काउंटर के इस तरफ होकर उस कार्य को कराने के लिए आए हैं, तो आपसे आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग निसंकोच आप हमें भी लिख सकते हैं, आप हमारे उच्च अधिकारी को भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप हम तक उस बात को या तो पेंशनर्स एसोसिएशन के थ्रू या जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो आप हम तक जरूर पहुँचाएँ। हम लोग भारतीय स्टेट बैंक पेंशनर्स वार्षिक समारोह था, इसमें हम लोग 2 साल के बाद आज ये इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कोरोना के कारण ये कार्यक्रम टलता जा रहा था। ये भारतीय स्टेट बैंक के पेंशनर्स जो कि गोरखपुर अंचल में रहते हैं वो एक जगह मिलकर अपने सुझाव को कैसे उनके पेंशनर्स बेनिफिट्स को या फिर और भी उनके मेडिकल बेनिफिट्स को कैसे और बेहतर किया जाए उसके लिए एक मिलन समारोह था।